दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का नेट स्लो चलता है और यदि आप अपने फ़ोन के नेट स्पीड से काफ़ी परेशान हैं तो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको चार ऐसे सेक्रेट सेटिंग बताऊंगा। अगर आप इसे अपने फ़ोन में कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके फ़ोन का नेट स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को एक ज़रा से भी स्किप कर देंगे तो आप सेटिंग्स को नहीं समझ पाएंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल संपूर्ण टेक। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब आपके मोबाइल में जहाँ भी आपको डेवलपर ऑप्शन दिखाई पड़ेगा उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ देखिए आपको रनिंग सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से हमें उन सभी ऐप्स को जो बेवजह रनिंग कर रहे हैं उन सभी ऐप्स को स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने से फ़ोन का सिस्टम काफ़ी फास्ट काम करने लगेगा, जिससे कि फ़ोन का नेट स्पीड भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो एक एक करके बेवजह रनिंग कर रहे ऐप्स को स्टॉप कर देना है। इसके लिए आपको ऐप्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको स्टॉप का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ देखिए आपको स्टॉप का ऑप्शन दिखाई, फिर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से यह स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको स्टॉप कर देना है। एक बात ध्यान रहे, आप उन्हीं ऐप्स को सिर्फ स्टॉप कीजिएगा जिसे आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हैं या जिस पर आप वीडियो देखते हैं। इस तरह से करके आप सभी को स्टॉप कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ देखिए आपको बैकग्राउंड चेक का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड चेक का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हमें बैकग्राउंड में रनिंग कर रहे सभी ऐप्स को एक एक करके स्टॉप कर देना है। दोस्तों, क्या होता है कि एक साथ बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स रनिंग कर रहे होते हैं, जिसके कारण भी आपका नेट स्लो चलने लगता है। तो इसलिए यहाँ से हमें इसे स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने से क्या होगा, आपका फ़ोन का नेट स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो आपको फ़ोन में भी बैकग्राउंड में रनिंग कर रहे एक्सटर्नल ऐप्स को यहाँ से आपको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको फिर से आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ देखिए आपको जहाँ भी आपको कनेक्शन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जियो 4G पर क्लिक करना है। अगर आपका एयरटेल होगा तो एयरटेल 4G पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ देखिए APN प्रोटोकॉल का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको IPv4 IPv6 पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ देखिए आपको BRR का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको अनस्पेसिफाइड पर टिक है और LTE पर भी टिक करके ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद उसके बाद आपको अपना मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। चलिए प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आपको 4 लाइन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको सेटिंग्स पर जाना है। उसके बाद यहाँ आपको ऑटो अपडेट ऐप्स पर क्लिक करना है। ऑटो अपडेट ऐप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, क्या होता है, प्ले स्टोर में ऐप्स अपडेट आते रहते हैं और अगर आप डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये सारे ऐप्स बैकग्राउंड में ऑटो अपडेट होते रहेंगे, जिसके कारण आपका मोबाइल स्लो चलने लगेगा। इसलिए यहाँ आपको डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पर डन कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको ऑटो प्ले वीडियोज़ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको डोंट ऑटो प्ले वीडियोज़ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ से आपको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब लास्ट जो ट्रिक है दोस्तों, यह गजब का ट्रिक है। इस ट्रिक का यूज मैं अक्सर करता हूँ। दोस्तों, जब भी आप कहीं से ट्रेवल करके आएँ या आपका मोबाइल का नेट स्पीड चलते चलते स्लो हो जाए तो आपको 1 मिनट के लिए अपने मोबाइल के फ्लाइट मोड को ऑन कर देना है और फिर इसे ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा फ्लाइट मोड का कमाल, आप चौंक जाएंगे। आप देखेंगे आपके मोबाइल का नेट स्पीड काफ़ी बढ़ गया है। इस ट्रिक को आप ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इतना सेटिंग अगर आप अपने मोबाइल में कर लेते हैं 100% आपके मोबाइल का नेट स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी इसी तरह का आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।